मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने लंदन के दौरे से वापस लौट आए हैं। उनका हेलीकॉप्टर देहरादून के बन्नू स्कूल के मैदान में उतरा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अभी राज्य को 12,500 करोड़ का निवेश आया है, जबकि ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि उत्तराखंड में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। इससे प्रदेश भर में रोजगार सृजित होंगे, जिससे कि युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है जो दिसंबर में होने वाली है उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं उन सभी समूहों के साथ मिलकर और जो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी उत्तराखंड के लोग जो विदेशों में रहते हैं उन सब का भी हम आह्वान करते हैं कि वो सब भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस दौर। देखिए, देहरादून से दैनिक भास्कर संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान, साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और ब्लॉग का कार्यक्रम, 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य की जाँच, 1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी।